हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुधींद्र पांडे और आप देख रहे हैं प्लेयर ऑफ नंबर्स। बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है हाउ टू डू रिवीजन इफेक्टिवली। आप लोग भी कभी कभी सोचते हो कि यार, वो मेरा दोस्त, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता है, मेरे साथ ही क्लास जाता है, मेरे साथ ही नोट्स बनाता है, लेकिन एग्जाम में उसके नंबर ज्यादा क्यों आ जाते हैं, वो ऐसा क्या खास कर देता है। तो आज उसका ही सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। और बच्चों, ये वीडियो सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट के ऊपर वैलिड है। सारे सब्जेक्ट को मैं आज जो रूल बताने वाला हूं, इस रूल को आप फॉलो करो, सारे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, पहले से ज्यादा और अच्छे नंबर आप लेके आओगे। तो उसके लिए क्या करना है बच्चे, जो जो बता रहा हूं सबको रेगुलरली कंसिस्टेंसी दिखानी होगी आपको जो मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई की, आज 6 घंटे पढ़ लिया, कल उठे ही नहीं सोके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पढ़ रहे हो 4 घंटे, तो कल भी आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटे मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर आज आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो रेगुलरली आप 1 घंटे पढ़ो। रेगुलरली अगर 30 दिन आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 30 घंटे की आपने स्टडी की। ऐसा करना है बच्चे, रेगुलरली मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तब रिजल्ट आएगा। एक दिन 4 घंटे पढ़े, दूसरे दिन उठे ही नहीं, तीसरे दिन फिर 3 घंटे पढ़ लिए, चौथे दिन फिर खेलने चले गए, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी दिखाओ, भले आधे घंटे या 1 घंटे की दिखाओ, मेहनत करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डू रिवीजन इफेक्टिवली। सारे सब्जेक्ट के ऊपर वैलिड है, जो जो बताऊंगा उसको फॉलो करना है। फर्स्ट चीज बच्चे, पहला क्या करना है, फर्स्ट रिव्यू कब करना है। फर्स्ट रिव्यू मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रिव्यू इमीडिएट, कभी भी, जैसे आज आपने कर लिया, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो या इंग्लिश का हो या एसएसटी का हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी क्लास का। ये वीडियो सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रिव्यू आपको कब करना है उसी टॉपिक का। सेकंड रिव्यू आप आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर आप वापस उसको पढ़ोगे। आफ्टर 24 आवर आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा बेटे, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो दिमाग से गायब हो चुका है, भूल जाओ फिर उसको। इसलिए जो आज पढ़ा आफ्टर 24 आवर उसको आप वापस रिवाइज करो। एंड उसके बाद थर्ड रिव्यू आप उसको आफ्टर 1 वीक वापस पढ़ोगे। थर्ड रिव्यू आफ्टर 1 वीक, ठीक है, आफ्टर 1 वीक आप उसको वापस पढ़ोगे थर्ड रिव्यू। ये 3 अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया। आज सपोज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, आज मैंने ट्रिगो के कुछ 10 क्वेश्चंस लगाए, 24 आवर बाद आप वापस उसके फॉर्मूले एंड वही क्वेश्चंस लगाओ। एंड आफ्टर 1 वीक आप वापस उसके फॉर्मूले एंड वही क्वेश्चंस लगाओ, सेम सारे सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। और बच्चे, इसके बाद फोर्थ रिव्यू आपको उसी टॉपिक का करना है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद आप वापस वही टॉपिक पढ़ोगे। एंड फिफ्थ रिव्यू आप उसी टॉपिक का करोगे आफ्टर क्वार्टरली, दैट इज 3 मंथ, 3 महीने के बाद आप वापस उसी टॉपिक को पढ़ो। अगर आपने ये रेगुलरली फॉलो कर लिया तो आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर लोगे, आपके टक्कर का कोई नहीं है, आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ डाउट सेशन करो। इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, इससे क्या होगे, आपके टॉपिक्स ज्यादा क्लियर होंगे। माइंड का यूज करो, अपना माइंड बहुत शार्प है, इसको जितना ज्यादा आप बजा के रखोगे उतना ही बेहतर आप होते जाओगे। बच्चे, जो चीज मैंने बताया, आज एक टॉपिक पढ़े, 24 आवर बाद आप उसको वापस पढ़ो, फिर आफ्टर 1 वीक आप उसको वापस पढ़ो, फोर्थ रिव्यू आपको आफ्टर 1 मंथ करना है, एंड फिफ्थ रिव्यू आफ्टर 3 मंथ करना है। आफ्टर 1 मंथ में तो आपका पीटी का एग्जाम ही हो जाता है, तो ये तो आप पढ़ोगे ही। ये 3 को आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये 3 पे। एंड फिफ्थ रिव्यू, इसमें तो आपका जो है मिड टर्म का एग्जाम आ जाता है। तो ये 3 आप रेगुलरली फॉलो करो, आज जो पढ़ रहे हो कल भी वही पढ़ना है, मतलब रिवीजन होना चाहिए, न्यू टॉपिक के साथ साथ रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन ज्यादा हार्ड होता है न्यू टॉपिक पढ़ने से। इसलिए बच्चे,
इसको आप रेगुलरली फॉलो करो और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।